झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड उत्पाद विधेयक 2022 को राज्यपाल रमेश बैस ने 8 आपत्तियों के साथ राज्य सरकार को वापस लौटा दिया है। राज्यपाल ने राज्य सरकार को विधेयक के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने को कहा है, साथ ही कहा है कि राज्य सरकार अन्य राज्यों से इससे संबंधित प्रावधानों की समीक्षा करें और राजस्व परिषद से मंतव्य प्राप्त कर विधेयक के प्रावधानों को संशोधित करने पर विचार करें। हालांकि इस बार विधेयक में राज्यपाल ने जिस पर आपत्ति जताई है वह विधेयक के सेक्शन 7 की उपधारा 3 है। इसमें उड़नदस्ता के गठन का प्रावधान है। राज्यपाल ने कहा कि पूर्व में उत्पाद विभाग को आवश्यकता अनुसार पदाधिकारियों के उड़नदस्ता, टास्क फोर्स, मोबाइल फोर्स आदि गठित करने का अधिकार है। इसमें धारा 7 के साथ उपधारा 3 जोड़ने की क्या आवश्यकता है? आपत्तियों के साथ राज्यपाल ने सुझाव भी दिया है। वर्तमान में राज्य सरकार के लिए निर्धारित शराब की दुकानें बेवरेज कॉरपोरेशन के माध्यम से चुनी गई एजेंसियों द्वारा संचालित होती है। प्रावधान में किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर एजेंसी के कर्मचारी जो उक्त स्थल पर संचालन कर रहे हैं जिम्मेदार माने जाएंगे। इस पर राज्यपाल ने कहा कि इससे संपूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होनी चाहिए और नगर निगम की तरफ से नियमित रूप से इसका मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। मालूम हो कि इससे पूर्व भी राज्यपाल आपत्ति के साथ 4 विधेयक लौटा चुके हैं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।